वैसे तो हमेशा ही मैं डीजे प्रो का फैन रहा हूँ, पर जब बात आती है उसकी प्राइसिंग की, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी बिगड़ जाती हैं। तो अभी टेस्ट में डालते हैं इस चाइनीज ड्रोन को और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस क्या है और आपको ये इतने कम प्राइस में भी बाय करना चाहिए या नहीं। बात करते हैं इसके बॉक्स कंटेंट की। इसके साथ हमें कंट्रोलर मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। इसके अंदर हमें फैन कवर्स मिलेंगे। फैन कवर के साथ साथ हमें 4 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स मिलेंगे जो कि बहुत अच्छी बात है, बाई चांस आप डैमेज कर दो। एक स्क्रू ड्राइवर मिलेगा जो कि यूनिवर्सल है, सारे ड्रोन के पेज इससे खुल जाएंगे। ये मैंने बाहर से खरीदा है। इसके अंदर हमें सिर्फ एक माइक्रो यूएसबी केबल मिलेगी जिससे हम ये बैटरी चार्ज करेंगे। सो काफ़ी अच्छे गुड लुकिंग ड्रोन है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी बोल सकते हैं इसकी। डिज़ाइन की बात करते हैं, डिज़ाइन इसका बिल्कुल ही DJI Pro के रिलेटेड है और बिल्कुल ही सही है। आप कुछ एस्टिमेट लगा सकते हो इसके साइज़ का और इसके डिज़ाइन का, बट बिल्ड क्वालिटी की बात कर तो काफ़ी लाइट वेट है। अभी जो सरकार ने नए रूल्स निकाले हैं ड्रोन के साइज़ का और वेट का, उसके अंदर ये बिल्कुल ही सेट बैठेगा और घर पर आप ईजिली उड़ा सकते हो। DJI Pro के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगा, बट इसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए होगा। सो ड्रोन आप देख सकते हो बिल्कुल ईजिली उड़ रहा है और काफ़ी बैलेंस ड्रोन है ये, मैं बोल सकता हूँ। हाथ से लैंडिंग हो सकती है इसकी और हाथ पे ही टेक ऑफ हो सकता है इस ड्रोन का, जिसका मतलब है काफ़ी बैलेंस ड्रोन है जो कि बहुत शानदार बात है। और आप इसमें लाइटिंग देख सकते हो, हालांकि हमें लाइटिंग ख़त्म करने का कोई बटन नहीं दिया गया हमारे कंट्रोलर में, बट स्टिल हम इसको रात को भी उड़ा सकते हो और काफ़ी इसमें फ्लिप वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पे हमें 2 जॉयस्टिक्स मिलेगी जिसकी मदद से हम इसको ऊपर या नीचे और दाएं और बाएं सारी जगह कंट्रोल कर सकते हो और फोटो, वीडियो, लैंडिंग और सारे ऐसी फंक्शनैलिटीज हमें मिल जाएंगी। हम इस ऐप की मदद से इसको फ़ोन के भी साथ कंट्रोल कर सकते हो, तो हम UFO ऐप या कोई भी ऐसा ऐप भर सकते हैं। भरने के बाद हमें जस्ट हमें ड्रोन के वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है। अब देख सकते हो बिल्कुल ही सारे ड्रोन वाले फीचर हमारे फ़ोन पे भी अवेलेबल है। तो बात करते हैं इसके कैमरा सैंपल्स की। आप कैमरा सैंपल्स इसके देख सकते हो, प्रीटी एवरेज है, तो काम चल जाएगा, इतना बुरा भी नहीं है। अगर DJI Pro के रिलेटेड बात करो बहुत कम है, बट इसका प्राइस भी उसके 1% 2% ही है। तो काफ़ी सस्ता ड्रोन है और बिल्ड क्वालिटी, शेप, अगर आप मज़े के लिए ड्रोन ले रहे हो तो ये एक वर्थ है, मैं तो यही बोलूँगा। सो फोल्डेबल आर्म्स मिल जाती है, अगर आप इसको कैरी करना चाहते हो ईजिली कैरी कर सकते हो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, क्योंकि ये सरकार की नई पॉलिसी में आता है। तो मैं आशा रखता हूँ आपको ये नई वीडियो मेरी पसंद आई होगी और इसमें मेरे को मदद करी है मेरे ऋषभ भाई ने इस वीडियो बनाने में। उसका चैनल चेकआउट करना मत भूलिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सब्सक्राइब।